शेखपुरा जिले से रिश्ते को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के जमालपुर मोहल्ले का, जहां राजेंद्र प्रसाद का पुत्र श्री पूरन कुमार अपनी ही भगनी के साथ दिल्ली के गोविंदपुरी में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद उसकी भगनी पेट से रह गई है और नाबालिग युवती भगनी निर्मला कुमारी के द्वारा गोविंदपुरी थाना में एक आवेदन देकर अपने ही मामा पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। जी हां, आपको बता दें, गौरतलब है कि रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना को अंजाम देने के बाद माता पिता ने संयुक्त रूप से अपने पुत्र को अपनी पूरी संपत्ति से बेदखल करने का निर्णय ले लिया है और कोर्ट से उसे बेदखल भी कर दिया है। आपको बताते चले कि दिल्ली के पुलिस लगातार शिवपुर कुमार की खोज शेखपुरा में कर रही थी, लेकिन युवक का पता अब तक नहीं चल पाया है। वहीं पिता ने साफ साफ कहा है कि हमारे पुत्र को संरक्षण देने वाली ही उतना ही जिम्मेदार होगा जितना कि मेरा पुत्र इस शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने के बाद जिम्मेदार है। वहीं शिवपुराण कुमार के पिता ने कहा है कि हमारा पुत्र बहुत ही घिनौना काम किया है, जिसके कारण समाज में हम सर नहीं उठा पा रहे हैं, इसलिए यह निर्णय बेदखल करने का हम दोनों पति पत्नी ने संयुक्त रूप से लिया है। गौरतलब है कि ऐसी घटना को अंजाम देने वाला और रिश्ते को शर्मसार करने वाला, घटना को अंजाम देना तो शर्मनाक ही है, लेकिन ऐसे लोगों को जितनी भी कड़ी सजा दी जाए कम होगी। हमारा पुत्र ने बहुत घिनौना काम किया, इसके चलते हमको बहुत समाज में और अथी में शर्मिंदा उठाना पड़ रहा है, जिसके कारण हम दोनों पति पत्नी अपने चल और अचल संपत्ति से उसको बेदखल कर दिए हैं। क्या नाम है आपके पुत्र का? पुत्र का नाम है शिवपूरन कुमार और उर्फ ऋषभ राज। क्या ऐसा क्या घिनौना काम किया कि आपको इस तरह का कदम उठाना पड़ गया? वो जैसे अपने भगनी के साथ ही कुछ ऐसा घिनौना काम किया है। क्या समाज में आपको काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी? बहुत काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या मांग करेंगे? आपको प्रशासन से भी काफ़ी दबाव है, क्या अब वो मांग क्या करेंगे? वो जहाँ भी है अपना पुलिस पकड़े, चाहे किसी के संरक्षण में हो तो वो जाने, हमसे उसको कोई अब लेना देना नहीं है। मर जाए, हरा जाए, चाहे जे हो गए, साला कुछ नहीं उसके, उससे अब हमको कोई वास्ता ही नहीं, कोई नाता ही नहीं रहा। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद।